करना चाहता हूं। मैं दो दिन पहले गया था माता सीता के दर्शन के लिए, सीतामढ़ी में गया था, और वहां सर मैं संकल्प लेकर आया हूं कि माता सीता का एक भव्य मंदिर का निर्माण सीतामढ़ी में किया जाएगा। मेरा मानना है कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी हैं। तो जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं चाहता हूं कि उसी की तर्ज पर यहां पर सीतामढ़ी में माता सीता की जो जन्मस्थली है वहां पर भी माता सीता का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पर एक आस्था का विषय तो है ही। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है और नारी स्वाभिमान का स्वरूप है। हम लोगों ने जितना भी माता सीता को पढ़ा जाना, उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता उन्होंने नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं वो उसी स्वाभिमान की जिंदगी वो जिए, व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि उनको भी अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता ना करना पड़े। मेरे लिए माता सीता एक आदर्श है, और इसीलिए कल जब मैं वहां दो दिन पहले जब मैं सीतामढ़ी गया तो मैं वहां से संकल्प लेकर आया कि माता सीता का एक भव्य मंदिर हम लोग बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं, मैं एक कॉरिडोर का निर्माण करवाने का भी हम लोगों ने प्रण लिया है कि अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में एक 6 लेन का हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे, सियाराम कॉरिडोर करके, ताकि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन के लिए जाए वो माता सीता के दर्शन करने जरूर आए। जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए आस्था का विषय तो है ही, पर साथ ही में मैंने जो अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने जिसकी घोषणा की है कि बिहार में आप रोजगार कैसे उत्पन्न करें, बिहार का राजस्व आप कैसे बढ़ाएं और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दें, मुझे लगता है रिलीजियस टूरिज्म इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, जिसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। यहाँ पर माता सीता का अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो सोचिए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी स्तर से कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो हमारे प्रदेश में आएंगे, यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आएंगे, और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं इलाके हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। वहां पर होटल्स आएंगे, रिजॉर्ट्स आएंगे, धीरे धीरे एमएनसीज आएंगे, फूड कोर्ट्स फूड ज्वाइंट्स खुलने लगेंगे, अगल बगल के क्षेत्रों में वहां पर एजुकेशनल हब बनने लगेंगे, तो ना सिर्फ स्थानीय राजस्व बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार मिलेगा। और माता सीता का मंदिर जिसका मैंने संकल्प लिया है वो एक उदाहरण है, ऐसी अनंत संभावनाएं हमारे प्रदेश में है। लछवाड़ में भले वो भगवान महावीर की जन्मस्थली की अगर हम लोग बात करें, या वैशाली की हम लोग बात करें, या गया की हम लोग बात करें, हम लोग दशकों पहले बनाकर गया को भूल गए, पर वहां पर कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सैलानी हैं जो वहां पर आते हैं दर्शन के लिए, हर साल आते हैं, क्यों नहीं हम उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हम लोग वर्ल्ड क्लास लेवल का कर सकते हैं, ताकि देश दुनिया से लोग आए वहां पर, भारी भारी संख्या में लोग वहां पर आए। तो इसलिए बोध गया का मैंने जिक्र किया, पटना साहिब है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का, कई ऐसे सूफी संत हैं जिनकी मजारें बिहार में है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक सर्किट से हम लोग को जोड़ना चाहिए। तो तमाम इस तरीके की योजनाएं हैं, इसके पीछे मेरी श्रद्धा और बाकी और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय तो जरूर है ही, उनकी आस्था को भी हम लोग कहीं ना कहीं सम्मान देंगे, पर साथ ही में राजस्व भी बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार, जो हम लोग बार बार हम लोग कहते हैं कि भैया रोजगार आप कैसे देंगे रोजगार, क्योंकि मुझे लगता है बिहार के चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा विषय है और सबसे बड़ा विषय होना भी चाहिए, क्योंकि पलायन अधिकांश उन लोग वो लोग कर रहे हैं जिनको रोजगार यहाँ पर नहीं मिलता, जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार कर रहे हैं, तो रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उसके लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम अर्जित कर पाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज हम कैसे क्रिएट कर पाए, उसमें रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभा सकता है। और इसीलिए मैं माता सीता के जब दर्शन करने गया तो ये संकल्प मैं वहां से लेकर आया। इसके अलावा दो एक विषय और हैं जो आजकल खूब सुर्खियों में बने हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनको घबराहट हो गई है एकदम से, जांच की बात सुनते ही, जेल की बात सुनते ही, निरंतर प्रक्रिया पे प्रक्रिया है उनकी तरफ से आ रही है, रिएक्शन दे रहे हैं, परेशान हो गए हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो सिर्फ मैं जांच की बात कर रहा हूं, अभी तुरंत आप थोड़ी ना जेल जा रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों हो गई जांच की बात सुनते ही, दाल में कुछ काला है क्या, क्यों परेशान हो रहे हैं जांच के नाम से। भाई अगर आपको लगता है, और मैं माननीय नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है
अगर उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता क्या होता क्या होता क्या और उन्हें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है भैया वो इतने भोले हों, इतने अनजाने हों कि शायद जानकारी नहीं हो। जांच में पता चल जाएगा कि भैया इनको जानकारी नहीं थी। बाकी 12 करोड़ लोगों को जानकारी थी, एकमात्र व्यक्ति 12 करोड़ में से एकमात्र व्यक्ति जिसको बिहार में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी नहीं, वो मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हो सकता है ऐसा संभव हो, पर ये तभी पता चलेगा जब इसके ऊपर जांच होगी। और लोक जनशक्ति पार्टी ने यह निश्चय किया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनेगी उसमें जांच करवाई जाएगी। अब जांच से पहले इतनी ज्यादा परेशानी के कारण क्या है मेरी समझ में नहीं आता। मुझे आप भी में से कई ऐसे साथी हैं जो मुझे जिन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी है कि भैया सात निश्चय में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कितने घोटाले हुए हैं, आप ही के माध्यम से मुझे ये सारी जानकारी मिलती है। आप लोग ये अगर खुद ही बता दें कि भैया नहीं, तो मैं मानूंगा। बिहार का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात का जिक्र नहीं करता हो कि बिहार में सात निश्चय में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कोई एक बिहारी मुझे दिखा दीजिए जो ये बोले कि बिहार में सात निश्चय में कोई घोटाला नहीं हुआ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा में निरंतरता में मैं जहां जहां गया हूं, जिस जिस से मैं मिला हूं, हर एक व्यक्ति ने इस बात का जिक्र किया है कि भैया सात निश्चय बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी में हुआ है तो वो इसी योजना में हुआ है। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी देना कि भैया अगर लोग अगर बार बार निरंतर यात्रा में कह रहे हैं, आपके माध्यम से कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं मीडिया के माध्यम से जो मेरे संज्ञान में आई हैं, जिसको मैंने देखा, तो अगर इतनी बात हो रही है इसको लेकर कि भ्रष्टाचार हुआ है, लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि भैया 40-40% कमीशन जाता है। जब मैं बिहार बस, बिहारी बस यात्रा में जब मैं गया, और प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे दिखते हैं कि भैया जो नली गली आप बनाने की बात करते हैं उसकी हालत देखिए क्या है। अधर में योजनाएं लटकी हुई हैं, एक बरसात में नली गली आपकी बह जाती है। गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए कि भैया जब पैसा जा रहा है इतना किसी योजना में, तो वो योजना इतनी भ्रष्ट क्यों गई? टैंकियां कैसे फटी पड़ी हैं नल जल योजना से जो आप टैंकियां बना रहे हैं, आप जाकर देखिए, और आप ही के चैनल्स पर कई रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, क्यों वो टैंकियां फट जाती हैं, क्यों गुणवत्ता इतनी खराब है? तो अगर उसका अगर पैसा कहीं जा रहा है तो किसके पास जा रहा है वो पैसा? क्यों गुणवत्ता की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि जिस योजना के लिए जो पैसा निर्धारित किया गया है उस आधार पर उस गुणवत्ता को पैमाना क्यों नहीं बनाया गया? क्यों यहाँ पर टैंकियां फट रही हैं? क्यों नली गली यहाँ पर पहले तो बनी ही नहीं है? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया 85%, 86%, पता नहीं क्या क्या आंकड़े देते हैं। एक जिला मुझे बिहार का नहीं, और अब तो मैं विधानसभा वाइज में घूम रहा हूं, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर लोग मुझे नहीं बताते हो कि भैया किस तरीके से यहां पर नली गली की हालत है, और नल जल की जो योजना है किस तरीके से पूरी तरीके से विफल है। तो अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो इसकी जांच करवाने में क्या दिक्कत है भैया? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में। आप जांच तो होने दीजिए, पर जांच होने से पहले ही इतनी घबराहट, जस्ट बिकॉज कि आप मुख्यमंत्री, आप जेल नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं है ना। एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, सब एक समान है कानून के सामने। जांच होगी, अगर आप दोषी होंगे तो आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भाई एक और मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया, तो सजा काट रहे हैं। आप भी सजा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया है? नहीं काटेंगे तो नहीं, अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि ये जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे? आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा हूं, मैं भाजपा के इशारों पर काम कर रहा हूं, तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के परे है कि भैया ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? किसी एक व्यक्ति के विरोध में आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने लग जाते हैं? आप तो उनके सहयोगी रहे, मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना जांच, करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूं क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका तो एज एन एक्टर थी उस फिल्म में। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी जाके काम करना, काम किया, आया। उसके बाद बोलते कि भैया नहीं चली फिल्म, फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूं मैं, कहां मना कर रहा हूं भैया इस बात को, तो मैं भी
ईमानदारी से कबूल करता हूं, बट मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूं कि अगर 4 साल 5 साल 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम है जरूर वहां पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहां पर? स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है, पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरी वश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहां पर आया। और हकीकत यह भी है कि वहां पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे बिहारियों को, मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहां पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहां पर। बंबई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता था, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती थी। मैं क्यों बार बार बिहारी 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 शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं? मुझे ताज्जुब हुआ एक दिन जब मैं एक ट्वीट लिखवा रहा था तो मेरे बैक ऑफिस के लोग बोलते हैं कि भैया इसमें बिहारी शब्द की जगह बिहारवासी कर दीजिए ना। क्यों क्यों बिहारवासी मैं करूं? क्योंकि आपने बिहारी शब्द को आपने इतना बदनाम कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि आज की तारीख में बिहारी शब्द गाली बन गया। लोग उसके पर्यायवाची ढूंढते हैं पर बिहारी नहीं बोलते। कोई पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती पंजाबी बुलाने में, कोई महाराष्ट्र के व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती अपने आप को मराठी कहलाने में, पर बिहार के लोगों को। और इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे मेरे सोशल मीडिया पे भले वो युवा बिहारी लिखने की बात हो या मेरे ट्वीट्स या मेरे ओपन लेटर जितने, मैं उसमें जानबूझकर मैं बिहारी लिखता हूं। मैं संबोधन करता हूं अपने आप को बिहारी कहकर, अपने हर मन से मैं बिहार की जनता को मैं बिहारी कहकर मैं संबोधित करता हूं। क्यों? क्योंकि इस शब्द की अस्मिता की लड़ाई है मेरे लिए। ये जो पहचान हम लोग खो चुके हैं अपनी, जो पहचान बदनाम हो चुकी है हमारी, उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा हूं। 12 करोड़ बिहारियों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिस घर से जिस सम्मान से मैं बोलता हूं भैया कि मैं बिहारी हूं, यही घर यही सम्मान हर बिहारी की आंखों में मैं देखना चाहता हूं। बट मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बिहार को बदहाल कर दिया है, बिहार को बेइज्जत कर दिया। पहले तो लालू जी के जमाने में कहा जाता था कि भैया बिहार बदनाम है, अब तो आपने बदनाम के साथ साथ बिहार को बदहाल भी कर दिया। आपने विकल्प बनकर आए थे जंगल राज का, बट अपने कुशासन राज में आपने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर आपने खड़ा कर दिया। पलायन के लिए युवाओं को आपने मजबूर कर दिया। और मेरी चिंता उन युवाओं के लिए तो है ही है जो कि रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, मेरी चिंता उस सक्षम परिवार के युवाओं के लिए भी है जो दूसरे प्रदेशों में जाकर तो अपना व्यवसाय अच्छे से बना लेते हैं, वहां पर 100, 50, 500, 1000 लोगों को रोजगार भी दे देते हैं, पर यही परिस्थिति यहां पर नहीं कर पाते। यहां पर वो सक्षम परिवार के जो लोग हैं, जो सक्षम लड़के हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते तो मुझे लगता है तो बिहार का पूरा युवा दूसरे प्रदेशों में चला जाएगा। आप ही लोगों के बच्चे कौन यहां पर पढ़ रहा होगा, कौन पढ़ना चाहता है? कोई एक सक्षम परिवार बता दीजिए जो अपने बच्चों को यहां पर पढ़ा रहा हो। और यहां से जो बच्चे गए कल को कोई वापस नहीं आने वाला, वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहीं पर रोजगार करते हैं, वहीं पर शादी करते हैं, वहीं पर बच्चे हो जाते हैं और वहीं पर रह जाते हैं वो, और फिर आते हैं बस होली दिवाली छठ पूजा में अपने घर पर। तो अगर बिहार का पूरा युवा ही पलायन कर जाएगा, और युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की, नहीं चाहते कि युवा पढ़े, 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिलती है, नहीं चाहते कि रोजगार मिले, साफ मना करते हैं कि भैया कारखाने नहीं खुलेंगे। तो ये सारी चीजों पर कारण क्या है, उन तमाम चीजों की जांच होनी जरूरी है कि भैया पलायन क्यों हो रहा है यहां पर, क्यों नहीं इसकी समीक्षा की जाए? समीक्षा शराबबंदी की क्यों नहीं की जाए, मुझे बताइए आप, क्यों नहीं की जाए शराबबंदी की समीक्षा? किसको नहीं पता है, किसी एक बिहारी से पूछ लीजिए जिसको ये नहीं पता हो कि भैया बिहार में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज चुनाव है तो कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो आकर खुले मुंह बोल रहे हैं कि भैया हमको तो पता चला यहां पर कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो नहीं हो रही है क्या, बता दीजिए मुझे। और फिर वही बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारियों को पता है, मात्र एक व्यक्ति जिनको नहीं पता वो हमारे भोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। भाई कैसे नहीं पता, आपकी नाक के नीचे एक मंत्री मैं दावे के साथ कहता हूं जिसको ये बात नहीं पता हो कि बिहार में कैसे खुलेआम शराब बिक रही है। और जो तस्करी हो रही है, जो तस्कर नए बन रहे हैं, उनको किनका संरक्षण मिल रहा है? पहले तो राजस्व आता था शराब बिकने से, अब जो राजस्व आना बंद हो गया है और उसके बाद भी ब्लैक में जो शराब बिक रही है, उसकी जो तस्करी हो रही है, उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है बताए ना मुख्यमंत्री, किसकी जेब में जा रहा है बताइए नीतीश कुमार जी, वो पैसा आपकी जेब में जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है वो पैसा? क्योंकि शराब तो बिक रही है, यकीनन बिक रही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं। 1% का डाउट आप लोगों के भी दिमाग में नहीं है कि शराब नहीं बिक रही। कोई बिहारी ऐसा बिहार में नहीं है जो इस बात को मना कर दे कि नहीं भैया बिहार अब एकदम अच्छा हो गया, पवित्र हो गया, साफ हो गया, कोई यहां पर शराब नहीं बिक रही। मैं समर्थन में हूं शराबबंदी के,
2016 में अगर मेरी जानकारी और याददाश्त मेरी सही है, 2016 के आसपास जब ये लालू जी के साथ गठबंधन में थे तो उस वक्त इन्होंने शराबबंदी का ये निर्णय लिया था। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन में था। उस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी का मैंने समर्थन किया था कि बढ़िया फैसला, अच्छा फैसला होना चाहिए। पर आज मुझे बताइए, जो नए तस्कर बने हैं और जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? और अगर हर बिहारी, 12 करोड़ बिहारी और आप सब ये बोल रहे हैं, तो क्या इन चीजों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों घबरा रहे हैं फिर मुख्यमंत्री इन सारी जांच से? उसके बाद मुझे कहा जाता है कि भैया आप माफी मांगे। किस बात की मैं माफी मांगू? मैं 12 करोड़ बिहारियों की आवाज बन रहा हूं, मैं इस बात की माफी मांगू क्या? और जांच होने दीजिए ना, क्यों जांच से डर रहे हैं? कल को अगर जांच में अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो क्या ये लोग माफी मांगेंगे जो आज मुझे कह रहे हैं माफी मांगने के लिए? और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? नहीं। अगर आपको लगता है कुछ लोग इतने नतमस्तक हैं, और भाजपा के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के प्रति ज्यादा अपनी वो दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, भैया भाजपा के प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए, उनके प्रति अपनी आस्था दिखाइए। नतमस्तक हो रखे हैं एकदम बुरी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने, नीतीश कुमार जी के सामने, कि भैया माफी मांगे। किस बात की माफी मांगू? जांच होने दीजिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूं कि जांच में अगर उनका नाम आया तो वो जेल जाएंगे, और 100% वो जेल जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप रसूखदार हैं, अगर आप ये सोचें कि मैं छोटे अधिकारी हैं, उन लोगों को फंसा दिया जाएगा और मैं छूट जाऊंगा, ये होने नहीं वाला अगली लोजपा की सरकार में। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और दोषी पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। तो जो घबराहट है, बस वही मैं आप लोगों के सामने आज रखने आया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एकदम परेशान है, घबराए हुए हैं। निरंतर उनके लोग जमूरा से लेकर मतलब प्रधानमंत्री जी तक का भी अपमान करने से ये लोग रुक नहीं रहे। और जो मुख्यमंत्री चिंतित थे कि भैया चिराग पासवान प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाएं, कहीं पर नहीं लगाएं, कहां लगाई थी मैंने तस्वीर पहले, तो यही मुझे नहीं पता चला। आप लोगों ने ये विषय ही क्यों उठाया था, मेरी ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया कि तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीर नहीं लगेगी। मैंने कहां पर तस्वीर लगाई? कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहा हूं। कौन सी जगह पर जाकर मैंने गिनाए उनके काम? कौन सी जगह पर जाकर मैंने बोला उनके बारे में कि प्रधानमंत्री? हां, पर मैंने इतना मैं जरूर बोला कि प्रधानमंत्री से झूठ मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, झूठे वादे उनको करते हैं कि हमने हर गांव में नली गली बना दी, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें, झूठी जानकारी मेरे प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। और उसके बाद तस्वीर नहीं लगाएंगे, जो मेरी तस्वीरों से परेशान हो रहे थे, आज खुद उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने अपने पोस्टर होर्डिंग से हटा दिया। इस बात का जवाब दें, अपनी चिंता सामने करें कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगी हुई है? बड़े बड़े होर्डिंग सारी जगह हम लोग भी देख ही रहे हैं ना, फ्रंट पेज की एड आई थी उस दिन अखबार में, सारे अखबारों में फ्रंट पेज, तो कहां गए उनके चेहरा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है उसमें? इन बातों का जवाब देना भैया, आप अपनी चिंता करें, मेरी चिंता क्यों करते हैं कि मैं किसकी तस्वीर लगा रहा हूं नहीं लगा रहा हूं? तो ये सारी बातों की जांच होगी, शराबबंदी और भ्रष्टाचार दोनों की जांच होगी, और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे।